एवरीबडी तो आज का जो टॉपिक है इट इज़ हैटो इम्यून डिजीज सिस्टेमिक लूपस, ल्यूपस रेथमाटोस फॉर शॉर्ट. एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है लेकिन हो सका तो इवेंचुअली uh, अच्छे तरीके से समराइज करने की कोशिश करूँगा सो लेट्स बिगन विद द टॉपिक आउटलाइन में वही सारा कुछ इंट्रोडक्शन एटियालॉजी पैथजेंस कॉम्प्लिकेशंस, डायग्नोसिस और आखिर में ट्रीटमेंट इंट्रोडक्शन में <coughs> सबसे इंपॉर्टेंट बात जैसे मैं पहले बता चुका हूँ ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ठीक है साथ में हाइपर सेंसिटिविटी टाइप थ्री डिसऑर्डर है और एक पोलिक्लोनल गैमोपैथी है जिसके अंदर वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज होता है ये चीज़ें समराइज करती हैं सैली को Systemic, आ, उसे मरादी है कि एक सिस्टम वाइड इसकी मैनिफेस्टेशन होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके अंदर आपकी बॉडी ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं आपकी बॉडी के नेचुरल सेल्स के खिलाफ ठीक है ये होते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एस उनमें से एक है इसी तरह रूमोटाइड ऑर्थराइटस भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ठीक है आ, उस पर भी फिर एक वीडियो बनाएंगे अलग से हाइपर सेंसिटिविटी टाइप थ्री डिसऑर्डर है हाइपर सेंसिटिविटी के चार टाइप्स होती हैं वन टू थ्री फोर ठीक है ये टाइप थ्री है टाइप थ्री के अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं मैं बाकी की टाइप्स में बाकी टाइप्स के अंदर नहीं जाऊंगा उनकी डिटेल्स में जाऊंगा क्योंकि ये हाइपर सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी का टॉपिक नहीं है हाइपर सेंसिटिविटी से मराती है कि इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है बस ये आप समझ लें टाइप थ्री है टाइप थ्री के अंदर जो करेक्टरिस्टिक होता है टाइप थ्री का वो होता है आ, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन ठीक है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन चुके हैं और वो डिपॉजिट हो जाती हैं आपके टिश्यूज़ के अंदर मुख्त स्पेसिस के अंदर वहाँ पर फिर प्रो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस जो हैं आकर अपना काम करती हैं और वो एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है पैथोलॉजी के अंदर अगर आपने इन्फ्लेशन का चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वो किस तरह न्यूट्रोफिल्स आते हैं और किस तरह जो है इन्फ्लोमेशन प्रोसीड करती है तो ये हाइपर सेंसिटिविटी टाइप थ्री डिसऑर्डर है पोलिक्लोनल गैमोपैथी है जहाँ पर भी लफ्ज़पैथी आएगा इसका मतलब डिजीज़ गैमो से यहाँ पर मुराद है ठीक है वैसे सूली तौर पर गैमा गैमाग्लोबिल ओपैथी होना चाहिए था लेकिन चलें गैमोपैथी आसान है इस तरह पोलिक्लोनल और मोनोक्लोनल ये बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं पोलिक्लोनल पोली से मुराद ज़्यादा मोनोसे मराद सिंगल तो पोलिक्लोनल डिफरेंट किस्म के इम्यून सेल्स ठीक है उनकी गैमोपैथी है और अगर मोनोक्लोनल होगा तो एक किस्म के खैर ये पॉलीक्लोनल गेमोपैथी है ठीक है गैमोपैथी मैंने पहले बताया गेमोग्लोबिल्स की डिजीज़ है मोस्ट प्रोबेबली आई जी एम और आई जी जी वाइड स्प्रेड टिश्यू डैमेज और वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन होती है ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं अभी हम जाकर देखें किस तरह ये सारा कुछ होता है ये सारी की सारी चीज़ें एसली को समराइज़ करती हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि चूँकि एस्ट्रोजन होता है वुमेन के अंदर ओबियसली उसका इनहिबिटरी रोल होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स की क्लियरेंस के ऊपर यानी जितना ज़्यादा एस्ट्रोजन होगा उतना कम इम्यून कॉम्प्लेक्स की क्लियरेंस होगी तो जितनी देर तक इम्यून कॉम्प्लेक्स पड़ा रहेगा तब तक इन्फ्लेमेशन जारी रहेगी ठीक है।, है तो ज़्यादा चांस भी है और ज़्यादा बुरा प्रोग्नोसिस भी होता है फिर असली का इसके अंदर खौी में और ये चाइल्ड बेयरिंग एज के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है तो ये चीज़ें असली के अंदर एज अ समरी आप लोगों ने याद करनी इटियालॉजी में एक चीज़ आपने आ, याद रखनी है वो ये है कि इट इज़ मोर कॉमन इन पीपल हु हैव अ ब्लैक एशियन और हिस्पैनिक डिसेंट ठीक है उनकी फीमेल्स जिनकी चाइल्ड बेयरिंग एज है ट्वेंटी टू फोटी फाइव समथिंग इन बिटवीन मोरलैस उनके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है नॉट बहुत ज़्यादा मतलब एक प्री डिस्पिशन uh, है उनके अंदर दूसरी चीज़ ये कि कॉम्प्लीमेंट uh, सिस्टम अगर आपने इम्यूनिटी पढ़ी हो या इन्फ्लेशन वगैरह यह सारा कुछ अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के कॉम्पोनेंट्स होते हैं सी वन क्यू सी वन आर सी वन एस सी फोर सी टू सी थ्री बी लाइक दैट अगर आपने पढ़ाओ इनमें से किसी एक दो दो तीन तीन चार की डिफिशेंसी हो जाए आप तो असली के चांसेस ऑब्वियसली होंगे ठीक है किसी भी वजह से हो मिलगनेंसीज और डर्माटाइटस हेरपटीफॉर्मस ये भी एसोसिएटेड हैं सली के साथ ठीक एंटीबॉडी रिस्पॉन्स अगर बैक्टीरियल और वायरल डीएनए के अगेंस्ट हों जैसे कि एपस्टाइन पार वायरस है साइटमोगैलो वायरस पारो वायरस पी नाइनटीन एंड रेट्रोवायरसेस सारे के सारे ये जब बॉडी के अंदर एंटर होंगे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई इम्यून रिस्पॉन्स होगा अगर वो अनकंट्रोल्ड चला जाए कोई डिसरेगुलेशन हो जाए तो ये बीटलॉजी बन सकती है सली की फिर म्यूटेशन हो जाएँ कुछ जीन्स के अंदर जो कि कॉम्प्लीमेंट जीन्स हैं कुछ साइटोकाइन जीन्स हैं एच एल ए डी आर टू एच एल ए डी आर थ्री आई एल टेन आई आर एफ फाइव ये सारी की सारी हमें डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है लेकिन इस तरह की जितनी भी जीन्स हैं जो कोड करती हैं आपकी इम्यून रिस्पांसिस को सिग्नलिंग पाथवेस वगैरह सारा कुछ इनमें म्यूटेशन हो जाएँ तो वो भी ऐसे की तरफ लेकर जा सकती हैं फिर अल्ट्रावाट रेडिएशंस स्मोकिंग वगैरह सिलिका ठीक है ना ये इन्वायमेंटल फैक्टर्स हो गए ठीक है फिर हारमोनल इंबैलेंसेस ख़वा में एस्ट्रोजन प्रोलैक्टिन एंड्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन ऊपर नीचे हो जाएं तो उनके अंदर भी टेंडेंसी होती है एस का एक प्रोसीडिंग हो सकती है इसके अंदर फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस रेथमेटोसिस डी आई एल ई डाइल दिंग इसके ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही नहीं चीज़ होती लेकिन इसके सिम्टम्स और साइंस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा मिलती हैं सिस्टेमिक ल्यूपस और से इसके लिए नमोनिक मैंने तैयार किया जितने भी ड्रग्स ऑफेंटिंग ड्रग्स हैं पिम्प क्यू पीचेस ये किसी ख़ास ऑर्डर में नहीं है बरहाल ये आप याद कर लीजिएगा वेजोडाट्रस में हाइड्रजीन मिथाइल डोपा एंटीमिक्स में प्रोस्थानिडीन एटी टी में आइसोनियाड एंटीसाइकोटिक्स में क्लोरप्रामजीन पेनासलमाइन ट्रोसाइकलिन में मिनोसाइक्लिन है एंटीसीजर मेडिकेशन में फेनटोइन एथोसक्सम टी एन एफ अल्फ़ा इनहबिटर्स जो कि मेरी फेवरेट क्लास है बाय ड्रग्स की इनफ्लिक्सिमाब, एंड अटालमाटोल ये सारे के सारे ऑफेंडिंग ड्रग्स हैं जो कि डिस्पोज करते हैं सली को उसकी एटियोलॉजी के अंदर आते हैं कॉज बनते हैं ड्रग इंड्यूसड लिपस एथमसिस का तो ये सीन है एटियोलॉजी ऑफ एसली का साइंस सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एसली देख लेते हैं एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ ये शायद मैं पहले वीडियोस के अंदर नहीं बता पाया कि ये जितना कुछ आप देख रहे हैं इसके अंदर साइंस भी हैं सिम्टम्स भी हैं और कॉम्प्लिकेशंस भी हैं मैनीफेस्टेशंस भी हैं सब कुछ है तो मैंने एक डिफ्यूज़ ब्रांचिंग की हुई है थोड़ी बहुत जितना आ, मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है जो जो कॉम्प्लिकेशन होगा वो मैं आपको बताता साथ रहूँगा लेकिन ये मैं तस्म कीजिएगा कि सबका सब ही एक ऐसे पेशेंट के अंदर एग्जिबिट होगा इनमें से कुछ चीज़ें हो सकती हैं कुछ चीज़ेंट हो सकती हैं और हो सकता है कि ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट फॉल्ट रिटन इन द स्लाइड ये हो और बाकी ना हो तो एक चीज़ याद रखें कि सली सैकल्ट और एनसड्स और स्टीरॉइड्स का एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है सली के अंदर हमें आ, एंटी इन्फ्लेमेटोरी सब्सटेंसेस भी चाहिए इस वजह से क्योंकि एक एकटरी डिज़ीज़ है असली। तो एनसेड्स भी चाहिए स्टेरॉइड्स भी चाहिए कम करने के लिए इन्फ्लेमेशन को लेकिन अगर उनका अनवॉरंटेड इस्तेमाल होगा तो पप्टिकल सर डिजीज़ हो सकती है इसी तरह सेलीसाइकल्स की अनवॉरंटेड इस्तेमाल असली के पेशेंट्स के लिए पैट्रोटॉक्सीटी का बहस बन सकती है क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशंस में, में बटरफ्लाई रैश जैसे हम मेलर रैश भी कहते हैं वो अपीयर होता है मेलर रेमिनंस पे चेहरे पे बाइलेट्रल होता है इसकी शक्ल बिल्कुल एक बटरफ्लाई जैसी होती है इसी वजह से हम इसे बटरफ्लाई रैश भी कहते हैं साथ में डिस्कॉड रैश है होप कि सही तरफ अनाउंस कर रहा हूँ हेयर लॉस जिसे कहते हैं पम्फिगस वेलगेरस ब्लस्टर्स बन सकते हैं आपकी स्किन पर हाइपर कैराटोसिस हो सकता है और फोटोसेंसीटिविटी जितनी भी चीज़ें बोल्ड करके लिखी हुई हैं ये मेजर साइंस सिम्टम्स हैं फ़ोटोसेंसिटिविटी में ओबियसली इरीटेशन हो सकती है जब जो एरिया स्किन का एक्सपोज होता है टू सनलाइट मस्कुलोस्केलेटल मस्कुलोस्लटल मैनिफेस्टेशन में आर्थराइटस आर्थ्रैलजिया पोलियर्थरेलजिया आर्थराइटिस से मरा इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, आर्थ्रैलजिया से मराध पेन ऑफ जॉइंट्स फटीग ऑबियसली मायालजिया मस्कुलर पेन नीजल सेप्टम परफेरेशन ये कॉम्प्लिकेशन है नीजल सेप्टम जो है उसके अंदर परफोरेशन हो जाती है अनकॉमन है एस लिखे के पेशेंट्स लेकिन एक एसोसिएशन है ऑस्टियोनेक्रोसिस, क्योंकि आगे जाकर हम पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर वेस्कुलर में वास्कुलाइटिस होता है तो ये वेस्कुलर नेक्रोसिस यहाँ पर ऑस्टियोनेक्रोसिस हो जाता है बोन का ठीक है जिया मिनफेस्टेशफेजियल डिस्मोटिलिटी ये दो सिम्टम्स हमने कहीं और भी पढ़े हैं एकलेशिया में उस पर भी हमारी एक वीडियो है खैर औरल अल्सर्स ये बहुत कॉमन है पीवीसी प्राइमरी बिलरी कोलेंजाइटस ठीक है ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ल्यूपस पेरिटनाइटिस हो सकता है ये जो पेरिटनाइटिस आपने जीआई में पढ़ा प्लूराइटस आप पलमनरी में पढ़ेंगे और एंडोकार्डाइटस आप कार्डियो में पढ़ेंगे ये सीरियस मेमब्रेन की इन्फ्लेमेशन है सीरोसाइटस, प्लेराइटस पैरेटनाइटस एंडोकार्डाइटस, ठीक है ल्यूपस पैरेटनाइटस ये हो सकता है स्प्लीनमगैली स्प्लिन का इंक्रीज साइट वेट लॉस इस वजह से क्योंकि डिसफेजियलोफेजियल डिसमोटिलिटी है तो आ, ओवर द मंथ्स देर इज प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ वेट कार्डियोवेस्कुलर मैनिफेस्टेशन में प्री कल्पशिया जो प्रेगनेंट खीन हैं अगर वो एस एल ई का शिकार हैं तो उनमें रेस्ड ब्लड प्रेशर आपको मिलेगा लिम्फिनोपैथी लम्फ नोड्स सोलन हो जाती हैं उनकी पथोलॉजी है आर्ट्रियोलाइटस इन्फ्लेशन ऑफ योर आर्ट्रियोल्स न्यूट्रोफिलिक कैपिलराइटिस ये बिल्कुल पैथोजेनिस है इस डिसीज़ का न्यूट्रोफिल्स इन्वेड करते हैं टिश्यूज़ को uh, तो कैपिलरीज़ में जब जाएंगे तो न्यूट्रोफ़िलिक कैपिलराइटिस न्यूट्रोफिलिकपलराइटस इन्फ्लोमेशन कैपलरीज सैक्स एंडोकार्डाइटिस एंडोकारडाइटस ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ये नॉन बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है एंडोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन, ठीक है सीरासाइटिस अगर तो बैक्टीरियल डिपोजिशन होगी तो बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर रेनॉड्स फिनोमेना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्या होता है वेज कंस्ट्रक्शन हो जाती है आपके फिंगर्स की जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है कम हो जाता है जिसकी वजह से यूजली क्या होता है कि ये जो उंगलियाँ ये तो होती रेड है ना रेड पिंकिश इनका ही होता है लेकिन रेनोड्स फिनमिना में चूँकि वे कंस्ट्रक्शन हो रही है और उनको एक ब्लड सप्लाई एडवोकेट नहीं मिल रही तो वो वाइटिश हो जाएंगी फिर कंपनसेटरी uh, मेकनिज़म के तहत थोड़ी बहुत ब्लड सप्लाई आने लगेगी तो ब्लू होगी फिर ऐसा-ऐसा पिंक और रेडिश के अंदर नॉर्मल हो जाएगी फिर हाइपर सेंसिटिविटी एनजाइटस एनजाइटस एक ये चीज़ है एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ ये भी एक टाइप है एनीमिया की एस एल ई के अंदर होता है ये एनीमिया है ऑबियसली नक्रोटाइजिंग आर्टराइटस का नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन ठीक है ये आप इस तरह याद कर तो पेरिकार्डियल फ्यूजन हो सकता है प्राइमरी हाइपर तो होगी ठीक है पेरिकार्डियल फ्यूजन जो है ये कॉम्प्लिकेशन है न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है पर्सनैलिटी चेंजेस साइकोटिक सिम्टम्स मसलन मुझे याद है एक सिनेरियो आया था किसी क्वेश्चन में तो इस तरह था कि एक फीमेल है शी गोज द डॉक्टर उसने एक्चुअली एक टी वी प्रोग्राम देखा होता है प्रजेंटर इज़ यू नो टॉकिंग अबाउट सम्स तो उस फीमेल को लगता है हु हैज नो एसली बाय द प्रजेंटर इज टॉकिंग अबाउट हर द पेशेंट जबकि ऐसी कोई बात नहीं होती तो ये एक आप क्लू कह सकते हैं मिलता है अगर आपको एक सेकोटिक सिम्टम आया और साथ में आपको आया कि इन्फ्लेमेशन जनरलाइज और सिफाइलिस का एक फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आया है ये खैर बाद में जाकर हम देखेंगे तो वो एस एल ई होता है ठीक है और दो तीन और चीज़ें होंगी एनोरेक्सिया एसेप्टिक मेनिनजाइटिस नॉन सेप्टिक एसेप्टिक बात है फीवर सीज इन मलेस ठीक है ना रीनल मैनिफेस्टेश में नंबर वन लूपस क्लोमेरोलो नफराइटस यानी ल्यूपस नफ्राइटस ठीक है ये होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन के अंदर ग्रैनु ग्रैनुलर एंडोथेलियल डिपोजिट्स होते हैं ठीक है नेफ्रोटिक नेफ्रिटिक सिंड्रोम की कंबाइंड पिक्चर होती है प्रोटीन यूरिया एल्ब्यूमिन यूरिया वगैरह ये सारा कुछ ये आप वो उसके अंदर पड़ेंगे नेफ्रोटिक नेफ्रिटिक सिंड्रोम में पलमनरी मैनिफेस्टेश प्लेराटिसटिस ऑफ द प्लेरा हाइड्रोथोरक्स हो सकता है टोटल इंटस्टिशल निमोनिया हो सकता है ठीक है सॉरी नॉट टोटल यूजुअल इंटस्टिशल निमोनिया यू आई पी इंटस्टिशल पलमनरी लंग डिजीज़ की एक आप कह लें कि थोड़ी सी उसे मिलती जुलती है बल्कि उसका ये एक हिस्सा है अफ्तलमोलॉजिकल मैनिफेस्टेश में आर चल रॉबर्टसन पीपल होता है इसके अंदर फोकसिंग मैकेनिज्म कोई ऊपर नीचे हुआ होता है ठीक है साइटॉइड बॉडी बॉडीज़ होती हैं रेटना के अंदर ओपेसिफाइड किस्म की आपको डिपॉजिट्स मिलते हैं ठीक है और ये मेरे ख्याल से शोगरन सिंड्रोम अगर आपने पढ़ा उस पर भी हमारी एक वीडियो आएगी उसके अंदर भी ये चीज़ बड़ी कॉमन होती है साइटोइड बॉडीज़ ये सारी तो थी मैनिफेस्टेशन्स अब हम देखते हैं कि लैब टेस्टिंग के दौरान आपको क्या मिलता है तरह मैंने आपको पहले बताया था कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो कॉम्पोनेंट्स हैं उनकी कमी अगर हो तो एक प्री डिस्पोजिशन मिल जाती है एसएल ई की एसोसिएशन ठीक है इसलिए अगर हम कॉम्प्लीमेंट्स की लैब टेस्टिंग करें ऐसे पेशेंट्स में जिनको एस एल ई है तो हमें हाइपो कम्पलेमेंटमिया मिलेगा ठीक है कॉम्प्लीमेंट की कमी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स की कमी हाइपो कॉम्प्लेमेंटीमिया फिर नॉर्मल गैप एसिडोसिस ऐसा एसिडोसिस जिसके अंदर एनाइन गैप नॉर्मल है ठीक है ग्रैनुलर सब एंडोथिलियल डिपॉजिट्स, जैसे हम पहले बता रहेगा ग्लोमेरुलर नेफ्राइटस के अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन के अंदर जो रीनल इंटस्टेशन का भी बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन है उसमें ग्रैनुलर किस्म के सब एंडोथीलियल डिपोजिट्स मिलेंगे आपको फिर वायर लूप अपेयरेंस होगी क्लोमेरुलर कैपिलरी लूप्स की जो क्लैम ग्लोमेरुलस है ना जारी बात है वो कैपिलरीज होती हैं उसके उसके अंदर जो लेकर आती हैं ब्लड वगैरह और फिर बाद में जो एक्स्ट्रा विजिट करता है फ्लोइड उनकी वायरलूप अपेयरेंस होगी क्योंकि वो बिल्कुल एक ओपेसिफाइड किस्म का एक स्ट्रक्चर बन जाता है इसी तरह अनियन स्किन अपेयरेंस होगी स्प्लिन के गिर्द आर्ट्रियोल्स की फेब्रोसिस की वजह से पेरी आर्ट्रीलर फेब्रोसिस अराउंड स्प्लीन तो अगर आप उसका ट्रांसफर्स सेक्शन देखें तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ट्रांसवर्स सेक्शन पड़ा हुआ है अनियन का प्याज का ठीक है इसलिए इसे हम कहते हैं अनियंस के अपेयरेंस फिर इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर होगा आई टी पी की कमी हो जाएगी ल्यूकोपीनिया ल्यूकोसाइट्स लु, की कमी हाइपर गैमोग्लोबिलनीमिया ठीक है इस वजह से गैमोपैथी भी कहते हैं हाइपर एल्फा टू ग्लोबिलनीमिया एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं तो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो डिसरेगुलेटेड है तो ये ऑटो आटि, एंटीबॉडीज़ इंक्रीज होंगी फिर कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ के टेस्ट पॉजिटिव आते हैं और कौन कौन सी हमें टेस्ट जो एंटीबॉडीज़ हैं वो मिलती हैं एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट योर डबल स्टेंडे डीएनए, एंटी आटि स्मिथ एंटीबॉडीज़ जो कि स्मिथ एंटीजन के, के ख़िलाफ़ होती हैं एंटी आटि फोसोलिपिड एंटीबॉडीज़ एंटी कार्डियोलाइपिन एंटीबॉडीज़ इसी एंटी कार्डियोलाइपिन की वजह से आगे चल हम देखेंगे कि ऐसे फाइलिस जो है फॉल्स पॉजिटिव आते हैं एंटी सिंगल स्ट्रेंडेड आर एन एंटी हिस्टोन एंटी स्मॉल न्यूक्लोटाइड सॉरी स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन एंटी रिथ्रोसिटिक एंटी ल्यूकोसिटिक एंटी थ्रामोसिटिक एंटी इंसुलिन एंटी एस एस ए या फिर एंटी रो ऑटो एंटीबॉडीज़ ये सारी सारी एंटीबॉडीज़ एस एलिकी पेशेंट्स में पाई जाती हैं ठीक है फिर एक और चीज़ अगर हम वैसे तो रूमोटाइड फैक्टर र्यूमाटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन अगर हम देखें एस एल ई के पेशेंट्स में तो बोत बात रूमोटाइड फैक्टर भी रेस्ट होता है तो ये सारी की सारी एक जनरल पिक्चर है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस की पैथोजेनेसिस एस एल ई का आ, देख लेते हैं जो चीज़ें मैंने टियोलॉजी में बताई वही आपने यहाँ पर फेक्ट करनी है जहाँ पर लिखा हुआ पोटेंशियल टेलोलॉजिक फैक्टर्स वायरसेस हैं या कुछ और जो भी है एपोप्टोसिस होता है रेडिएशन की वजह से वायरसेस की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से तो जब अपोप्टोसिस होता है अगर तो आपने पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर थ्री पढ़ा हुआ है रॉबिन एंड Cotton's पैथोलॉजिक basis ऑफ डिजीज कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं अप, अपोप्टोसिस के बाद जब सेल की डेथ हो जाती है न्यूक्लियर पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि डी एन ए हो गया या इस तरह की अगर तो उनकी क्लियरेंस ना हो नॉर्मली क्या होता है फिजियोलॉजिकली क्लियरेंस हो जाती है लेकिन अगर उनकी क्लियरेंस ना हो अपोप्टोटिक रेमिनेंट्स की ठीक है तो जो वो एंटीजेंस हैं वो बतौर एंटीजेंस एक्ट करते हैं ना क्या होता है कि सेल्फ़ टॉलरेंस का मैकेनिज़्म जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है वो ख़राब हो जाता है वजह से डिसरेगुलेशन हो जाती है, इम्यून की, इम्यून होता है की नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर हाइपर एक्टिविटी होती है बी सेल्स की टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं सी डी फोर टी सेल्स वो खैर वो हमने उसके अंदर नहीं जाना वो इम्यूनिटी का टॉपिक है फिर किसी एक वीडियो के अंदर देखेंगे अब नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स से क्या होता है कि ऑटो एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन होती है जब ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो वो अटैक करती हैं उन सेल्फ एंटीजेंस पर वो जो डीएनए, आरएनए, जो मैंने आपको पहले बताया कि अपोप्टोटिक रेमनेंट्स के तौर पर उभरते हैं और जब उनकी क्लियरेंस नहीं होती तो एंटीजेंस उनको कंसिडर किया जाता है अदरवाइज नॉर्मल एंटीजेंस जो होते हैं उनके साथ जाकर और ऑटो बॉडीज चिपक जाती हैं और उनको नाइस करना स्टार्ट करती है। ये complex हैं ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है इसे हम कहते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स ऐसे नहीं में ये भी क्लियर नहीं होता एक तो एपॉपटोटिक रेमिनेंट्स हैं वो तो क्लियर नहीं हो रहे उनकी वजह से जो एंटीजें एक्सप्रेस हो रहे हैं उनके साथ जो एंटीबॉडीज़ लगकर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बना रही हैं वो भी क्लियर नहीं होते और वो जाकर डिपॉज़िट हो जाते हैं आपके टिश्यूज़ के अंदर ब्रेनज़ में आ, फिर मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर वो डिपॉजिट हो जाते हैं अब ये रिक्रूटमेंट फैक्टर्स हैं इन्फ्लेट्री प्रो इन्फ्लेमेटरी सब्सेंसिस के जब न्यूट्रोफिल्स देखते हैं कि फ्लाट इश्यू के अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स पड़ा हुआ है तो वो कीमोटेक्सिस के थ्रू वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर इम्यून कम्पलेक्सेस डिपॉजिट है और फिर वहाँ पर प्रो इन्फ्लेमेटोरी सब्सटेंसेस को रिलीज़ करते हैं जिनकी वजह से फिर इन्फ्लेमेशन जनरलाइज इन्फ्लेमेशन जो है वो इनिशिएट होती है तो ये सारी चीज़ें पैथोजेनेसिस के अंदर आती हैं एस के आपको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ करवा देता हूँ पोटेंशलीटियोलॉजिक फैक्टर्स दे गिव राइज गेवराइस पीपोपटोसिस एपटोटिक रेमिनट्स क्लियर नहीं होते तो डिफेक्टिव क्लियरेंस सेल्फ एंटीजेंस एक्सप्रेस होते हैं टी एन ए आर एन ए आगे जाकर हम देखेंगे कि कौन कौन सी बल्कि वही जो एंटीबॉडीज़ बनी थी उन्हीं के एंटीजें होते हैं फिर रेगुलेटरी कंट्रोल सेल्फ टॉलरेंस का वो नहीं रहता मेल फंक्शन करता है जिसकी वजह से अब नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स होता है और ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं उन सेल्फ एंटीजेंस के खिलाफ जो कि उनके साथ मिलकर इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाती है इम्यून कॉम्प्लेक्स इंसॉलुबल फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है आपके टिश्यूज़ के अंदर वो रिक्रूट करते हैं न्यूट्रोफिल्स को न्यूट्रोफिल्स प्रो इन्फ्लेमेटोरी सब्सटेंसेस को उधर रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से जनरलाइज्ड इन्फ्लेमेशन जो है वो कॉज होती है तो ये पैथोजेनेसिस था एस का डायग्नोसिस हम किस तरह करते हैं ये चार फाइंडिंग्स अगर हो तो हम एस का डायग्नोसिस कर सकते हैं कोई सी चार इन ग्यारह में से इसको याद करने के लिए आपकी यूएसएम की बुक में ब्रेन सोप एम का निमोनिक दिया गया है ब्लड इसके अंदर एनीमिया वगैरह ठीक है रीनल डिसऑर्डर जैसे ग्लोमेर हो सकता है अर्थराइटस इम्यूनोलॉजिक डिसऑर्डर न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर वही सकोटिक सिम्टम्स और फीजर्स और ये मैले वगैरह सीरेसाइटस इन्फ्लोमेशन ऑफ योर सीरियस मेम्रेन जैसे कि एंडोकारडाइटस है लाइमन सैक्स और फिर बैक्टेरियल ऑर्प्लेटस और पैरेटनाइटस लूपस पैरेटनाइटस औरल अल्सर्स एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज यही जो सारी मैंने आपको बताई थी एंटी डबल स्ट्रेंडेड डी एन एंटी सिंगल स्ट्रेंडेड आर एन एंटीबॉडीज़ एंटी हिस्टोन ये सारी सारी एंटी न्यूक्र एंटीबॉडीज़ में शुमार होती हैं और अगर ये मौजूद हों तो एक हाई है एस एल ई की ठीक है फोटो सेंसिटिविटी मेलर रैश मेलर रेमिनेंस का वही बटर बटरफ्लाई वाला रैश और डिस्कॉट रैश ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं देखते लेकिन अगर इनमें से कोई चार हों तो हम कह देते हैं कि इस बंदे को सस्पेक्टेड एस एल ई है कन्फर्मेशन फिर हम अलाइजा से करते हैं एंजाइम लाइक इम्योनो सॉरबेंटेस है अच्छा uh, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक केस सिनेरियो आया था आई थिंक किसी uh, टेक्स्ट बुक में ही था यूएसएमएल किसी टेक्स्ट बुक में ही था उसके अंदर ये था कि एक फीमेल पेशेंट है और शी हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर सफालस और कुछ सिम्टम्स लिखे हुए थे तो उन्होंने पूछा ये हुआ था कि इस क्या डायग्नोसिस है क्या प्रोबेबल डायग्नोसिस तो उसका आंसर था एस एल ई पॉजिटिव सिफाइलिस के लिए है लेकिन एसएलई ई उसे असल में है तो ये किस तरह हो गया तो उसकी एक वजह है उसकी वजह यह है कि एस एल ई के अंदर आपकी एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ भी बनती हैं ठीक है ये जनाब एंटी कार्डियोलाइपन एंटीबॉडीज के तौर पे भी एक्ट करती हैं अगर ये कार्डियोलाइपेन एंटीजन आ, को डिस्ट्रॉय करें ठीक है ये चीज़ नॉर्मली हम सीरोलॉजी टेस्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं सिफाइलिस के पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए तो चूंकि अब ये काम असली में भी हो रहा है तो फॉल्स पॉजिटिव आएंगे सफाइल के ठीक है तो ये चीज़ आपने देखनी अगर कोई शख्स कह रहा है कि दे आर पॉजिटिव फॉर सफाइल ठीक है विदाउट एनी एटलॉजिक फैक्टर्स फॉर सफाइलिस जिसके अंदर सेक्शुअल कॉन्टैक्ट होता है एक बड़ा प्रोमिनेंट वो नहीं है उसके बावजूद सफाइल हो रहा है तो आप को शक को हो जाना चाहिए कि इस बंदे को असली भी हो सकता है फिर स्किन और रीजनल बायोपसी हम करते हैं मुख्तलफ़ चेक करने के लिए साइंस और सिम्टम्स क्लोमर नफ्राइटस का जितना ज़्यादा सवेयर वो हो चुका होगा पिक्चर उतना ही प्रोग्नोसिस बुरा होता जाएगा सली का हम ग्लोमरोल नफ्राइटिस को एज अ स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं प्रोग्नोसिस के लिए एस एल लेके ये सारे कुछ इसके डायग्नोसिस में आ जाते हैं ट्रीटमेंट क्योंकि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो हमारा नंबर वन ट्रीटमेंट क्या होगा कि हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स इस्तेमाल करें ठीक है में son, जो कि इन्फ्लेमेशन को काम करेंगे एंटी मलेरिया ड्रग्स क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी ये शायद आपको याद हो बड़ा इसका आ, एक किस्म का बूम हुआ था पूरी ग्लोब के अंदर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का स्पेशली जब डोनाल्ड ट्रंप ने इसका नाम लिया था जो कि एक बात थी खैर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं लेकिन हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं साइक्लोफोस्फामाइड ये एक कीमोथेरापूटिक एजेंट है ठीक है लेकिन यहाँ पर इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पर माइकोफिनोलेट माफिटल एजाथाइप्रीन साइक्लोस्पोरिन मीथोट्रैक्शेट थलीडोमाइड एंड रिटोक्सम ये सारी की सारी इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स हैं ठीक है फिर आपको याद होगा कि रेनॉड्स फिनमिना था फिंगर्स के अंदर वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है इसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाता है और फिंगर्स जो हैं वो बिल्कुल पेल हो जाती हैं फिर ऐसा-ऐसा ब्लू होती हैं और फिर नॉर्मल उस पर आ जाती हैं फॉसफोडास्ट्रेस टाइप फाइव इनहिबिटर्स वेजोडाइलेटर्स होती हैं बेसिकली क्या मेकनिज़म है वो हम फार्मोकोलॉजी में पढ़ेंगे तो ये हम इस्तेमाल करते हैं रेनाड्स फिनिना को कम करने के लिए ठीक है फिर बाज़ा हम इंट्राविनस इम्यूनोगलोब भी दे सकते हैं ताकि जो डेफिशेंसी हुई है वो तो थोड़ी बहुत पूरी हो सके और टू लेसन सिम्टम्स ऑफ एस और एटोलॉजी में जैसे मैंने बताया ड्रग इंड्यूसडलीपसरेथमेटोसिस के पिम्पक्यूम्पेचिज याद करने मिथाइल डोपा वगैरह सारा कुछ वो हम ज, ज, जितने भी ऑफेंडिंग ड्रग्स थे वो हम बंद करेंगे ठीक है तो हो सकता है कि सिम्टम्स कम हो जाए तो ये सारा का सारा ट्रीटमेंट था आपकी एस एल ई का आई होप कि एक ओबियसली क्योंकि एक डिफ़िकल्ट टॉपिक था मुझे भी एक्सप्लेन करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ लेकिन आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा इनकेस कोई मेरे से गलती हुई या कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद ना आई हो या पसंद आई हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं ताकि होपफुली आने वाली वीडियोस जितनी भी हों अच्छी से अच्छी हों ठीक है तो टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग